कब से यहाँ पे शुरुआत हुई इस मजलिस की, और किस लिए ये मजलिस होती है, और आज क्या मुहर्रम है? इसको आज से 35 साल पहले मरहूम हैदर अब्बास साहब एडवोकेट इलाहाबाद की मशहूर शख्सियत थी, उन्होंने कायम किया था 9 मुहर्रम की रात को, जिसको हम लोग शब आशूर भी कहते हैं, 10वीं की रात। अब तब से ये मजलिस कायम है और इसमें मुख्तलिफ अंजुमनें हिस्सा लेती हैं, लेकिन ख़ास तौर से अंजुमन नकविया और मौलाना सज्जाद साहब इसको ख़िताब करते हैं और मुमनी शिरकत करते हैं। ये मजलिस क्या दिन चलती है, ये एक दिन की है कि आगे भी चलेगी? ये मुहर्रम तो 10 दिन चलता है, उसे ये कहूँ कि 2 महीना 18 दिन चलता है ख़ास तौर से, लेकिन ये मजलिस जो है इस जो मुहर्रम का पहला अशरा है, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम, उसकी 9 तारीख को शब आशूर ये मजलिस होती है, एक दिन चलती है। ये मजलिस क्यों की जाती है? ये मजलिस करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है इंसानियत के लिए, इस्लाम के लिए, बेहतरी के लिए, उसकी याद में कायम की गई। आपका परिचय नाम? मुझे आफ्ताब रिजवी कहते हैं। Thank you.
मट्टी दे दो 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 मट्टी दे दो